नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके बीच में, आपके फेवरेट टॉपिक को लेके, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे टीममेट्स हैं, बहुत सारे जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो मेरे सामने एक बड़ी अलग और बड़ी कॉमन भी शायद प्रॉब्लम लेके आते हैं। वो ये है कि मैम, हमारे साथ लोग जुड़ तो जाते हैं, हमारे साथ लोग बिजनेस करने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे साथ टिकते नहीं हैं, लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ जुड़े नहीं रहते, बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, इनफैक्ट देते ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो हमारे टेलीफोन उठाने बंद कर देते हैं, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए? तो दोस्तों, आज इसी प्रॉब्लम को और इसका सलूशन लेकर के मैं आपके सामने आई हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और जिससे भी इसको फायदा हो सकता है, आपके दोस्त हो, आपके टीममेट्स हो, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हों वो हों, जिसको भी इससे फायदा हो सकता है उसके साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो उसे एक चीज बताई जाती है, ढेर सारी ज्वाइनिंग्स कराओ, खूब सारे लोगों को लाओ, उनके उनसे पैसे लो, उनकी आईडीज बनाओ, उनको सामान दो और लगातार ढेर सारे लोगों को ज्वाइन करवाते चले जाओ, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होगी उतने ज्यादा आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे। दोस्तों, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता कि आप ढेर सारे लोगों को ज्वाइनिंग्स करवाते चले जाओगे तो आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपकी कितनी ही अच्छी जान पहचान हो, कितनी ही लंबी लिस्ट हो, कितने ही ज्यादा लोग आपके जानकार हो, पर उसकी एक लिमिट होगी, और नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी लिमिटेड लोगों के भरोसे पे नहीं किया जाता, वो किया जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि दो लोग अपने दो दो लोगों को लेके आए, वो चार लोग अपने दो दो लोगों को लेके आए, और इस तरह से आपका बिजनेस फैलता चला जा सकता है। यानी कि हो सकता है आपने इसमें 50, 60, 100, 200, 400 लोगों को ज्वाइन ना करवाया हो सकता है आपने सिर्फ दो लोगों को इसमें ज्वाइन करवाया हो, और तो भी आप इसमें टॉप नॉच पे पहुंच जाओगे इस बिजनेस में। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 100, 100, 200 लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद भी एक फेलियर साबित होते हैं, बिजनेस में आगे नहीं पहुंच पाते हैं। उसका क्या रीजन है दोस्तों? यही रीजन है कि आप अपनी टीम को नहीं संभाल पाते। आप लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हो लेकिन उनको बिजनेस में टिके रहने के लिए मोटिवेट नहीं करवा पाते। तो दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो ना, तो आप उसको बड़ी बड़ी बातें बताते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो, उसे बताते हो कि वो किस तरह से लाखों रुपए इस बिजनेस से रेगुलरली कमा सकता है, किस तरह से ये बिजनेस उसकी पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो सकता है, किस तरह से ये बिजनेस उसके सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप उसे भूल जाते हो, आप उसे मुड़ के फोन भी नहीं करते, आप उससे फीडबैक तक नहीं लेते कि जो उसने पैसे दिए थे और उसके बदले जो उसे सामान मिला था उसको पसंद भी आया कि नहीं आया, क्या उसे अपने पैसे की वर्थ मिली या नहीं मिली, अगर उसे पसंद आया तो क्या वो आगे रिकमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप अपने अगर ये सब चीजें नहीं कर पाते हो तो आप अपनी टीम कभी संभाल ही नहीं पाओगे। यहाँ पे जब आप टीम में किसी की ज्वाइनिंग कराते हो ना दोस्तों, तो सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करानी है, आप बेसिकली उस व्यक्ति को एडॉप्ट कर लेते हो, गोद ले लेते हो, उसके सपनों की, उसकी विशेष की सारी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे ले लेते हो, क्योंकि आपने उसको जो बड़े बड़े सपने दिखाए हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपके पास आ जाती है। तो अब आपको शिद्दत से लग जाना है अपने सपने पूरा करने के लिए, नहीं
उसके सपने कैसे पूरे हों इसमें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही उसके सपने पूरे होंगे ना, आपके तो अपने आप पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी नीचे की टीम ग्रो करेगी, फ्लरिश करेगी, आगे बढ़ेगी, तो दोस्तों आप तो ऊपर बैठे हो ना, आप अपने आप बढ़ जाओगे। लेकिन आप नीचे की टीम को अगर बच्चे की तरह नहीं पालोगे, उनकी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दोगे, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे, दिमागी न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी उस टीम की ग्रोथ कैसी हो रही है, उनकी रेगुलर इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को रिजॉल्व करें। आपकी वो टीम मेंबर जो ज्वाइन हो चुका है, वो रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है कि नहीं, यानी कि उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल है, वो हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों अगर वो एक इंडिविजुअल ही रह गया, लीडर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आपको अपनी टीम को लीडर्स बनाना है, खुद लीडर बने हुए सरदार बन के बैठे नहीं रहना, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आपकी टीम के लोग लीडर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों ये आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है कि उन लोगों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको जी जान से कोशिश में लग जाना है। वरना ऐसा क्यों हो जाता है कि जो व्यक्ति आपके एक बार कहने पे आपको 10-15 हजार रुपए खट से दे देता है, अगली बार आपको फोन भी नहीं उठाता, ऐसी क्या दिक्कत है, कहीं तो प्रॉब्लम है ना दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम पे काम करना है, सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ सोल्यूशन ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की टेक्निक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करवाने की, कि अपनी टीम को अपना लो, उन्हें गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, और वो टीम आपको ऊपर तक पहुंचा के रहेगी। अगर इस तरह की वीडियोस के अपडेट्स रेगुलर चाहिए तो इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।